तब बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर। बांग्लादेश से भारत आई सोनिया अख्तर के गंभीर आरोप। नोएडा में रहने वाले सौरभ कांत तिवारी ने की थी शादी। बांग्लादेश में 14 अप्रैल 2021 में सोनिया से की थी शादी। सौरभ 2017 से 2021 तक बांग्लादेश में नौकरी करता था। बांग्लादेश के ढाका में एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। पिछले 6 महीने से सोनिया अख्तर से सौरभ ने दूरी बनाई। 1 साल के बच्चे को लेकर सोनिया अख्तर भारत पहुंच गई है। सोनिया अख्तर के मुताबिक सौरभ पहले से शादीशुदा है, उसको छोड़कर नोएडा में अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। पति का क्या नाम है? आप नहीं माने, घर लेके नहीं जा रही हूँ मैं बांग्लादेश। क्या चाहती हैं आप? अभी क्या चाहती हैं? मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ, मेरा बच्चे का अधिकार चाहती हूँ। पति का क्या नाम है? सौरभ कांत तिवारी। ढाका बांग्लादेश की मूल निवासी एक महिला ने कलेक्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर के महिला थाने में यह सूचना दिया कि अप्रैल 2021 में थाना सूरजपुर निवासी सौरभ कांत तिवारी नामक एक व्यक्ति ने बांग्लादेश में ही उसके साथ विवाह किया था और उसको छोड़कर वर्तमान में भारत आ गया है। उसने ये भी बताया कि सौरभ पूर्व से शादीशुदा था। बांग्लादेश में जनवरी 2017 से दिसंबर 2021 तक एक प्राइवेट एनर्जी कंपनी में वो कार्यरत था। महिला द्वारा अपने व 1 वर्षीय बेटे का पासपोर्ट, वीजा व सिटीजनशिप कार्ड उपलब्ध कराया गया है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ है कि मूलतः बांग्लादेश निवासी उक्त महिला के साथ स्थानीय निवासी सौरभ कांत तिवारी द्वारा बांग्लादेश में ही शादी की गई थी। फिर भी संपूर्ण प्रकरण की तह तक जाने के लिए जांच एसीपी महिला सुरक्षा को सौंपी गई है। जांच से निकले निष्कर्षों के आधार पर यथोचित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की है। अभी सीमा हैदर का मामला सुलझा नहीं, जांच एजेंसियों को बहुत कुछ मिला नहीं, तो अब बांग्लादेश से नोएडा आ गई है सोनिया अख्तर। उसका आरोप है कि बाकायदा बांग्लादेश के ढाका में एक सौरभ कांत व्यक्ति ने उसके साथ शादी करी और शादी के बाद वो यहाँ नोएडा आ गया। 2017 से लेकर 2021 के बीच सौरभ कांत वहीं की एक कंपनी में, बांग्लादेश की एक कंपनी में काम करता था और उसी दौरान उसकी मुलाकात हुई और वहीं पर उसने शादी कर ली। सानिया जो खान अख्तर यहाँ पर आई है वो 1 साल के मासूम बच्चे को अपने साथ लेकर आई है। वह यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूरजपुर थाना क्षेत्र का इलाका है, उसी में एक सोसाइटी है, वहीं पर सौरभ कांत रहता है। सोनिया अख्तर ने बाकायदा पुलिस से शिकायत करी है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि घटना स्थल बांग्लादेश है, यहाँ पर कोई घटना घटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि वो प्रॉपर पेपर के साथ आई है, उसके पास वीज़ा है, पासपोर्ट है, नागरिकता कार्ड है बांग्लादेश का, लिहाजा देखा जाएगा कि आखिर कानूनी प्रक्रिया में हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने सोनिया अख्तर को डिटेंशन सेंटर पे रखा हुआ है उसकी 1 साल के बच्चे के साथ। तो देखना होगा आने वाले वक्तों में आखिर जिस तरीके से सीमा हैदर का मामला लटका हुआ, तो आखिर सोनिया अख्तर का मामला कहां तक चल पाता है और आखिर उसको इंसाफ भारत में कैसे मिलता है। चंद्रप्रसाद के साथ दानिश, भारत समाचार नोएडा। संवाददाता दानिश अजीज, उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े। दानिश, अभी सीमा हैदर का मामला थमा ही नहीं था, अब सोनिया अख्तर का मामला, और सोनिया के पास तो 1 साल का मासूम बच्चा भी है। बिल्कुल, वाकई देखिए अजीबो गरीब ये मामला है, क्योंकि घटना स्थल नोएडा का नहीं है, जहाँ शादी हुई वो बांग्लादेश है। पुलिस कैसे करेगी, पुलिस भी अब ये कानूनी प्रक्रिया, जो कानूनी दावपेच है, समझने की कोशिश कर रही है। सोनिया अख्तर के पास तकरीबन 1 साल का एक मासूम सा बच्चा है और वो डिटेंशन सेंटर में माँ और बेटे को रखा गया है। वो सीधा कह रही है कि 2017 से 2021 के बीच वहां पर एक कंपनी है, उसी कंपनी में ये सौरभ कांत काम कर रहा था और इन दोनों की वहां मुलाकात हुई और इन लोगों ने वहां पर शादी कर ली। और बाकायदा उसने जो स्लिप्स हैं, जो शादी के गवाह है, वो तक दिखाए हैं पुलिस को। लिहाजा पुलिस ने भी इस चीज को एडमिट किया है पुलिस ने इस बात को एडमिट किया है कि हाँ शादी हुई है, लेकिन किस तरीके से इस मामले को कानूनी प्रक्रिया में लाया जाएगा उसको लेकर पुलिस राय मशवरा कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो सौरभ कांत है उससे भी पूछताछ करी जा रही है, उसको देखा जाएगा किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल एसीपी महिला सेल इसकी जांच कर रही है। देखना होगा आने वाले वक्तों में जब जांच खत्म होगी तो आखिर कौन सी चीजें इसमें निकल कर आती है, और जो महिला बांग्लादेश से भारत आई है, इंसाफ मांग रही है, अपने पति को जो है ढूंढते हुए यहाँ पर आई है, तो उसको किस तरीके से यहाँ पर राहत भारत में मिलती है। दानिश, इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और यूपी में 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी, 48 घंटे तक गरज चमक के साथ